नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। कर्नाटक के कॉलेज में पढ़ाई की जगह हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई जारी है। एक पक्ष जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो दूसरा पक्ष नारों में ही जवाब दे रहा है, और ये सब हो रहा है उस जगह पर जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। ये मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में 3 दिन के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। कॉलेज में आखिर धर्म युद्ध क्यों हो रहा है, ये कब से शुरू हुआ और आज कोर्ट को क्या कहना पड़ा, ये फैसला भावना के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के मुताबिक होगा। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ना बनाया जाए, सही समय पर सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करेगा। अब ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के पास है। कोर्ट ने सुनवाई जारी रहने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है। देश में कुछ लोग हिजाब का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। खबर मध्य प्रदेश के रतमाल जिले से है। जिले के आलोट विकास खंड के ताल तहसील के पुलिस चौकी खरवा कला के ग्राम बरसी में दलित समाज के दुल्हो की बिनोली को घोड़े पर बिठाकर गांव में प्रशोषण निकालने को लेकर प्रशासन को काफी भागदौड़ करनी पड़ रही है, और गांव में जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जिसमें जनसंवाद में उपस्थित समस्त लोगों ने एक राय से सभी प्रकार के कार्यक्रम शांतिपूर्वक निर्वाह करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। वहीं पुलिस चौकी खर वाकला के चौकी प्रभारी कन्हैया लाल आवासिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गाँव में शांति है, वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था गांव में लगाई गई है। ग्राम बरसी में 14 तारीख को होने वाले पिंडोली कार्यक्रम के संबंध में एक जनसंवाद आयोजित किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता को एक शंका मात्र थी कि कई वर्षों से पिंडोली कार्यक्रम नहीं हुआ है तो वह अब जब हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, दूसरा पक्ष उसमें आपत्ति लेगा। जनसंवाद के दौरान किसी भी उपस्थित पक्ष के द्वारा बिंदोली कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, और जनसंवाद के दौरान यह बात भी उभर कर आई कि सभी ग्रामवासी शांतिपूर्वक समरसता के साथ रहते हैं। उपस्थित सभी जनों को समझाइश दी गई कि आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे किसी भी पक्ष के द्वारा आयोजित किए जाएंगे शांतिपूर्वक किए जाएंगे, और यदि कोई व्यक्ति ग्राम बरसी की शांति व्यवस्था को भंग करता है, कोई बाहरी व्यक्ति या फिर कोई ग्रामवासी ही भंग करता है। चुनाव हुआ। अगली खबर आगरा से है। आगरा ग्रामीण से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने आगरा प्रशासन पर सीधे सीधे भाजपा को लाभ देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य चुनाव आयोग से इस मामले को लेकर शिकायत भी की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाते हुए उपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। चुनाव हुआ है और उसके बाद में शासन प्रशासन की जो है एक गलत मंशा बिल्कुल सामने आ रही है, और इन्होंने ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में सील होनी थी उसमें भारी धांधलीबाजी एक प्रतीत हो रही है, क्योंकि ईवीएम्स आने के बाद में स्ट्रांग रूम में सील होने की प्रक्रिया में प्रत्याशी या उसके एजेंट का मौजूद रहना आवश्यक है, और ये एक मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा मैंडेटरी आदेश भी है। उसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा हमारे इलेक्शन एजेंट जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे उनको 11:30 बजे तक ये कहा जाता रहा कि जिस समय हम स्ट्रांग रूम सील करेंगे हम आपको अवगत करा देंगे, तब तक आप बाहर बैठ लीजिए, और 700 मीटर की दूरी पे वहाँ पे उन्होंने पार्किंग बना रही थी। पार्किंग में हमारे इलेक्शन एजेंट इंतज़ार करते रहे क्योंकि वहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने वहाँ पे 700 मीटर दूर बैठने के बावजूद इन्होंने सूचना नहीं दी और ना ही कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह किया गया, और इसी प्रकार से हमारे संज्ञान में आया कि किसी भी प्रत्याशी को उन्होंने अवगत नहीं कराया, ना ही उनके इलेक्शन एजेंट को, और बिना प्रत्याशी और उनके एजेंट की गैर मौजूदगी में ईवीएम्स की सारी सीलिंग की गई है, तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करती है और शक उत्पन्न करती है। इसको लेकर के हमारे इलेक्शन एजेंट श्री अमित कुमार सिंह ने रात में ही हमको अवगत कराया, एसडीएम्स के पास में पहुंच करके उनसे भी बताया,
तो मैंने 3:30 बजे रात में जो SDM सदर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे वार्ता भी की, तो उनका ये कहना था कि हमने अनाउंस करा दिया था, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं कई चुनाव देख चुका हूँ और कई चुनाव करा चुका हूँ, उसमें नियमित जो है बुलाने की टेलीफोन के द्वारा चाहे उनके पेशकार उनके रीडर या कोई भी संबंधित कर्मचारी फ़ोन करके बुलाते हैं, तो उनको भी नहीं रखा। हमने रात में ही 4:10 पे ऑब्जर्वर जो है मैडम नलनी जी हैं उनको भी अवगत कराया, तो उन्होंने भी इस पे कहा कि ऐसा हुआ है तो गलत है, हम इसको संज्ञान लेते हैं, कि मैंने तो SDM से बोला भी था कि बुला लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं, रात में ही मैंने DM को, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, UP इलेक्शन को, सभी को अवगत करा दिया, और सारी प्रेस जो है प्रेस को भी हमने रात में ही सूचना दी है कि इस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा जो है EVMs को रखने में जिस स्ट्रांग रूम में उसमें प्रत्याशी को बिना संज्ञान में लिए हुए एक तरीके का बहुत ही संदेह उत्पन्न करने वाला कार्य किया गया। क्या नाम है बाबा? कन्नौज से प्राइमरी स्कूल के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कन्नौज के पायथाना उमरदा के प्राइमरी स्कूल का बुरा हाल है। स्कूल की दीवार की हालत पूरी तरह से जर्जर है। स्कूल के आसपास स्वच्छता का नामो निशान नहीं है। बता दें कि गांव में भी जल भराव की स्थिति है, ऐसे में बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, इससे अधिकारी पूरी तरह से अनजान है। क्या नाम है बाबा? नमस्ते बाबा। अच्छा ये बताएं, आपके विद्यालय, आपके गांव में विद्यालय जो बना है ये, तो इसकी जो बाउंड्री नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, जरा बताएं। हम तो चाह रहे हैं बाउंड्री हो जाना चाहिए। ये जो विद्यालय के सामने जमीन दिख रही है, क्या विद्यालय की है ये? हाँ विद्यालय की है। जैसे निर्माण नहीं हुआ, गंदगी भी फैली पड़ी है। 84 डिसमिल है। 84 डिसमिल जगह है विद्यालय की। अच्छा अच्छा, और अन्य कोई जानकारी आप देना चाहें दे सकते हैं, बोलो। उनका नंबर है, क्या जानकारी चाहिए आपको? आपके गांव में काफ़ी जगह जल भराव को लेकर के समस्या देखने को मिली है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ना हम तो चाह रहे हैं कि दिन समस्या हल हो चाहिए। आपने समस्या को लेकर कभी प्रधान से शिकायत की? प्रधान सुनते ही नहीं हमारी बात को, किसी जनता की बात नहीं सुन रहे। प्रधान को नहीं दिखाई पड़ रहा, प्रधान तो यहाँ आता है, दिल्ली आता, वो नहीं समझ सका, देख नहीं सका। खबर सीतापुर के मिश्रिक से है। यहाँ अज्ञात वाहन की टक्कर से एक 26 वर्षीय शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मृतक अलीपुर बंदिया का रहने वाला था, जो किसी काम से अस्पताल जा रहा था कि तभी आस्था गेट हाउस के सामने एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और वो वहीं गिरकर मौत हो गई। मौजूदा लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल को शख्स को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज रामपुर जिले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की 5 जनसभाएं आयोजित की गईं, जहां अखिलेश यादव शाहबाद से चलकर बिलासपुर, स्वार, टांडा, रामपुर और मसवासी होते हुए जाएंगे। अखिलेश की इन जनसभाओं के दौरान सिटी एडिशनल SP, DM और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी देखे गए, सड़कों पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा। अखिलेश यादव की इन जनसभा में लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। खबर उन्नाव से है, जहां पर 8 दिसंबर से लापता युवती की आज शव मिलने से जिले में खौफ का माहौल बना हुआ है। इस मामले में सपा नेता के बेटे राजोल सिंह के ऊपर परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया था, जिसकी गिरफ्तारी में देरी होने पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी मामले पर जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आज एक आश्रम में युवती का शव दफनाया हुआ मिला। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने दफनाए गए शव को पुलिस ने बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के आधार पर ही मामले की जांच की जाएगी, लेकिन आपको बता दें युवती का शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पिछले 8 दिसंबर से एक युवती की जिंदगी दर्ज की गई थी और ये उसी की डेड बॉडी आज यहाँ पे बरामद हुई है। इसकी आ रही थी, इसमें जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे, आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे।
सर, परिजनों ने दरोगा पर आरोप लगाया है कि सही से कार्रवाई नहीं की है, अगर समय रहते कर देते तो शायद ये घटना न होती। इसके बारे में हम जांच कर लेंगे, अगर किसी प्रकार का किसी भी दरोगा का या किसी अन्य पुलिस कर्मचारी का कोई दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि बगल में जो है आश्रम है, वहाँ पे कुछ कमरे हैं जिसपे उन्होंने शक जताया था, उसको नहीं खुलवाया गया। इनका बोलना है, ये पूरी तरीके से अभी विवेचना के अंतर्गत ये कार्रवाई चल रही है, अभी हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी तथ्य हमारी जानकारी में और इसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। परिजन पहले दिन से ही हत्या की आशंका जता रहे थे, एक लंबा समय बीत गया है, उसके बाद ये सामने चीजें आई हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। लीगल प्रोसेस करने में और कोई जांच पड़ताल के कई एंगल होते हैं, सभी को पूरा करने में टाइम लगता है, यहाँ से लेकर के आगरा तक और आगे कई जगह तक पुलिस की टीम लखनऊ तक, अयोध्या तक, कई जगह टीमें हमारी गई थी और कई जगह हम लोगों ने इसकी कई टीम बना करके पूरी विवेचना किया है, आगे भी कई टीमें हमारी लगी हुई हैं और आगे विवेचना हो रही है, अभी कुछ कहना प्रीमैच्योर होगा। सर, ये जो पीड़ित जो मृतक की महिला माँ है, ये जब लखनऊ में एक राजनीति के जो नेता हैं उनकी गाड़ी के सामने गई थी, पुलिस उसके बाद से कहीं ना कहीं सक्रिय होती दिख रही है, ऐसे में अगर पुलिस पहले सक्रिय होती तो शायद ये डेड बॉडी या पुलिस पहले घटना का खुलासा कर चुकी होती है। ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि इसकी FIR पहले से दर्ज थी और इसमें तभी से Day 1 से इसमें 4 टीमें काम कर रही थी, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने नहीं पब्लिकली बोल सकता हूँ, इसमें बहुत हम लोग लगे हुए थे, लगातार इसकी डेली मॉनिटरिंग होती थी, डेली इसके ऊपर बैठकें होती थी और यहाँ से लेकर के बड़े अधिकारी तक सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग गहन रूप से कर रहे थे और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने इसको बिना किसी ठोस सबूत के भी तहकीकात करके और आज इसको ढूंढ निकाला। लेकिन पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तारी की थी रजोल की, जबकि रजोल खुलेआम घूम रहा था उन लोगों में। अब उसमें विवेचनात्मक बिंदुएं हैं, उसके ऊपर इस समय चर्चा करना उचित नहीं है, उसके बारे में हम ज़्यादा आपको। सर, घटना में कितने लोग शामिल थे? अभी तक 2 लोग प्रकाश में आए हैं और आगे जो भी तहकीकात में आएंगे उसको हम उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। घटना का मोटिव क्या रहा है? घटना का मोटिव संबंध और प्रेम के रिश्ते जो है तो दिया गया है, इस पे आपको क्या? देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा से सपा ने प्रदीप यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। प्रदीप यादव को प्रत्याशी घोषित हुए 50 घंटा भी नहीं हुए थे कि सपा ने प्रदीप यादव से टिकट वापस ले लिया और राम भुवाल निषाद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद प्रदीप यादव ने शुक्रवार को ही निर्दल अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रदीप यादव रुद्रपुर के 87 इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचे, जहां प्रदीप यादव के चाहने वालों ने रामभुवाल निषाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि मीडिया से मुताबिक होते हुए प्रदीप यादव अपनी दास्तां सुनाते हुए भावुक हो गए। इस दौरान प्रदीप यादव ने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। तो दिया गया है, इस पे आपको क्या कहना है? अब क्या बचा है? अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम 20 साल से कर रहा हूँ। 2014 में मेरा लड़का नदी में डूब के मर गया, गोरख पासवान के जलूस में घूम रहा था। उसके बाद 2017 में टिकट दिए 10 महीना को दौड़ा के और कहे कि प्रदीप मान जाओ, राहुल प्रियंका जी मान नहीं रहे, बड़ा नेता है अखिलेश प्रताप सिंह, तुम मान जाओ, मेरे भाई हो छोटे। मैं मान गया, कहा ठीक है भैया, कहना 22 में लड़ा दूंगा। 22 में कर लड़ाने के लिए 5 साल मैं दौड़ता रहा, कहा ठीक है तुमको लड़ाऊंगा, टिकट दिए। फिर मेरे में क्या कमी हो गई कि मेरा टिकट काट दिए और एक चोर बदमाश आतंकवादी जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमा है 302 से लगाए 307 के, उसको टिकट दीजिए, दे दिए। मैं अब निर्दल चुनाव लड़ रहा हूँ, अब जनता हमको सिंबल देगी, जनता टिकट देगी और जनता बटन दबाएगी, वो तय करेगी जो रुद्रपुर का नेता प्रदीप यादव है, किसान का बेटा, आखिर राम भुवाल चोर डाकू चिल्लू पार जो बाहरी नेता है वो है। जी बागी हो के आप चुनाव लड़ रहे हैं, चैलेंज नहीं है? चैलेंज कोई नहीं है, जनता का अपार समर्थन आप लोग देख लीजिए, मेरे साथ जनता है, हर जाति हर दल का गठबंधन टूट गया है, आज मेरे साथ जनता है, हर लोग एकदम लग गए हैं हर बूथ पे, हर गांव में। 20 साल से आपका राजनीतिक करियर रहा समाजवादी पार्टी का, हमारे टिकट नहीं मिला तो मन में कितना दुख है? अब ये दुख मैं क्या बताऊं, अब जनता बताएगी आपको। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मैं भगवान के बाद अगर किसी को मानता था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मानता था, मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं गया, लेकिन आज मजबूर हमारे साथ विश्वासघात हुआ, षड्यंत्र करके लिए मेरा टिकट कटवा दिए। अब मैं जनता की अदालत में आऊंगा, अब जनता तय करेगी कौन जीतेगा, कौन बटन दबाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अपराधियों के हौसले इस हद तक हावी हैं कि वो किसी भी घटना को दिन दहाड़े अंजाम देते हैं। कुछ ऐसा ही रीवा के केंद्रीय जेल में किया गया।
आज एक व्यक्ति द्वारा बाहर से जेल के अंदर कुछ सामान फेंका जा रहा था, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस पर जेलर का कहना है कि बाउंड्री के चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगाए जाते हैं, लेकिन ये मामला दिन का है, जिस कारण वहां पर सुरक्षा गार्ड नहीं थे और यही वजह थी कि आरोपी युवक ने बाहर से अंदर की ओर सामान फेंका। जी हाँ, अभी मेरे संज्ञान में आया है कि जेल के बाहर के बाउंड्री से कोई जेल के अंदर में सामान फेंकते हुए का वीडियो वायरल हुआ। हम लोगों के द्वारा इसके बाउंड्री के चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगाई जाती है, क्योंकि ये दिन का मामला है और दिन के मामले में आम जनता का वो रोड खुला रहता है, इस कारण उसमें होती है। कई ये काफ़ी गंभीर समस्या है हमारे जेल के लिए। हम लगातार इस पर प्रयास करते रहते हैं कि इसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें जेल के अंदर ना आ पाए। फिर भी इस पे जो है समुचित वैधानिक कार्रवाई के लिए जैसे ही वीडियो हमारे पास आ जाएगा, हम इसको थाना प्रभारी के माध्यम से वैधानिक कार्रवाई कराने के लिए भेजते हैं। सर, पूर्व में भी अधिकारियों के भ्रमण जी पर जी हाँ, पहले भी दो सिपाही हमारे जेल के इस सामान फेंकने के आरोप में निलंबित किए गए हैं, जिनका माननीय न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। और इस प्रकार की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक विधानसभा क्षेत्र बरखेड़ा के ज्योराह कल्याणपुर बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित बूथ पर बुनियादी सुविधाओं का फर्नीचर, शौचालय, पेयजल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर चुनाव संबंधी समस्याओं और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई। इसके साथ ही संबंधित बूथों के बीएलओ को भी निर्देशित दिए गए। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां देश में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन कर विरोध किया गया, साथ ही साथ उन्होंने हिजाब हमारा हक है का नारा भी दिया। धरने के दौरान महिलाओं ने क्या कुछ कहा सुनिए। आज हमने ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था, हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं और हम इसलिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं कि आज हम इंडिया कर्नाटका की औरतों को यही मैसेज करना चाहते हैं, मुस्कान को यही मैसेज करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और हम इस्लाम के साथ हैं। हमारा हक ये कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हिजाब हमारा हक है और हम ये आईनी हकूक है हमारा और ये आईनी हक है, हम इसको कभी नहीं और हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि सभी लोग इक्वल है और हम कुछ भी पहने कुछ भी करें, इनको क्या मसला है हमारे से। पहले देखो, इन्होंने पहली बात की इन्होंने तीन तलाक के बारे में और कुछ नहीं सुना उनको, जम्मू कश्मीर से कोई आवाज नहीं निकली। फिर उन्होंने बात की कि इंडिया में क्या आजाने बंद करवा दो, कोई बात नहीं। आज आपकी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, आज तो बोले कुछ, आज तो बाहर निकले, आज आपकी बहन बेटियों से दुपट्टे सर से उतारे जा रहे हैं, आज उनको हिजाब से ये आपकी उनकी इज्जत का सवाल है। आपको ये मानना चाहिए कि अगर ये हमारा हक है तो हमें मिलना चाहिए और हम अल्लाह की जात की कसम खा के कहते हैं कि अगर ये आज इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने हमारा हक हमें वापस नहीं दिया, उनके हक में हुकूक उनके हुकूक में फैसला नहीं हुआ, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो हम धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है और हमारा हिजाब हमारा फख्र है, हमारी शान है, हमारा ये गुरूर है और ये हक में इस्लाम ने दिया है और ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। और आपको ये जानते हैं, आप सबने ये वीडियो देखी है, एक हमारी इस वक्त के रिपोर्टर्स रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज। Feel the power of engine. Macko lubricant ready to drive. Feel the power of engine. Macko lubricant ready to drive.